नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। टीकमगढ़ जिले के चंदेरा थाना अंतर्गत आने वाला ग्राम सयावनी का बताया जा रहा है। परिजनों ने 23 वर्षीय युवती से मारपीट कर लिखवाई बलात्कार की झूठी रिपोर्ट। पूरा मामला चंदेला थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम सयावनी का है, जहां पर बीते दिनों 31 मई को गोविंदी पाल के परिवार ने अपने ही पुत्री के साथ मारपीट की और उसे चंदेरा थाने में झूठे दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसको लेकर युवती ने आज परिवार के चुंगल से बाहर निकलकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय टीकमगढ़ में ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में बताया कि उस पर जबरदस्ती दबाव बनाकर झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई, जिसको लेकर युवती ने एसपी से रिपोर्ट वापस लेने की गुहार लगाई है और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द न्याय किया जाए और जिस युवक पर दुष्कर्म का झूठा केस बनाया गया उस युवक पर लगा झूठा केस वापस लिया जाए, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया। और युवती का कहना है कि जिसने भी मेरे साथ मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। टीकमगढ़ पलेरा से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइवेट न्यूज। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हो? अच्छा, क्या हो गया, क्या काय के लिए आज एसपी यहाँ पे आई हूँ आवेदन देने के लिए? इसलिए आए हम के हमारी मारपीट करके जबरदस्ती झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई हनीफ खान के नाम से, तो हम वो न्यस्त करने के लिए आए। अच्छा, किसने मारपीट की आपसे? घर वालों ने। क्या नाम है उनके, नाम जानते हैं? नीलाल सूरज, एक कमला पता है। अच्छा, तो कौन से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? चनेरा थाने। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? अच्छा, FIR नेस्ट की जाए। अच्छा, आप घर से लापता हैं कि किसी से, किसी दबाव, किसी के दबाव में? अच्छा, अपनी मर्जी से आई हैं। क्या चाहती हैं फिर आप? नेस्ट करना चाहती हैं। नेस्ट, FIR नेस्ट कर। SP साहब ना कहीं क्या कहा था उन्होंने? अभी आवेदन ले लिया आपका? हाँ। बेगुनाह बेकसूर है? हाँ। क्या है? मारपीट तो इन लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। अच्छा, थाने में जब आप गई तो कौन लेके गया था? क्या जो आरोप लगे वो सब झूठे हैं? क्या आपके साथ बलात्कार हुआ है? नहीं नहीं हुआ है। ठीक है।